किसी बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कैसा होता है, ये अभी तक हमने सीखा है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास, उसके अराउंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का शेप कैसा होता है, या उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करता है ना। तो यहां पर देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट जो है वो ऊपर जा रहा है और इसके आसपास लाइंस ऑफ फोर्सेज का शेप दिखाया गया है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यहां पर दिखाया गया है सर्कुलर शेप का। सर्कुलर शेप जानने के लिए जो है एक एक्टिविटी किया जा सकता है, वही नीडल कंपास जो होता है, कंपास नीडल होता है, उसको रख करके डायरेक्शन चेक किया जा सकता है। जैसे कि हमने बार मैग्नेट में चेक किया था कि जो है बार बार जो मैग्नेट है उसको खिसका करके नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल रखते थे, इस तरह से मूव करा करा करके देख सकते हैं। तो यहां पर सर्कुलर शेप की लाइंस ऑफ फोर्सेज दिखाई देती हैं। सर्कुलर शेप तो है, सर्कुलर शेप में भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किसी एक ही तरफ होगा, या तो ऊपर से देखने पर या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है। जैसे सबसे आउटर सर्कल की बात करें तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेज में एरो दिखाया गया, इधर ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेज आ रही हैं, ऐसे सब में एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाया गया है सारे सर्किल में। मतलब कि यहां पर फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उल्टा डायरेक्शन में नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, एरो की तरफ ही आना है हर जगह, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आएगा, ठीक है, नीचे से देखने पर क्लॉकवाइज आएगा। इसलिए मैं ऊपर और नीचे बता रहा हूं, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये वायर है तो इसके राइट साइड में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे ये सर्किल है, मैं ऐसे बता सकता हूं, जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसके अराउंड सर्किल बन रहा है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अंदर आएगा, ठीक है। यहां पर सर्किल, ये जो सर्किल है यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा, मतलब यहां पर फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इधर है, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, ठीक है। टेंजेंट के लॉन्ग, सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग, उसी तरह से कई सारे सर्किल बनाए गए हैं, है ना। तो डिफरेंट सर्किल जो है, डिफरेंट सर्किल के पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे जैसे सर्किल बड़ा होता जाएगा, जैसे ये सर्किल है और ये सर्किल है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके रिलेटिव में, और इससे वहां पर थोड़ा कम होगा, है ना। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इसके रिलेटिव में ज्यादा होगा, क्योंकि ये पास में पड़ता है ना, इससे ये वाला पास में कंडक्टर से, ठीक। अब इसका इसका रिलेटिव देखेंगे तो ये वाला जो सर्किल है वो कंडक्टर के पास में, तो यहां पर फील्ड ज्यादा होगा उससे, उसी तरह से ये और पास में आ गया तो यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो पॉइंट है वो इस कंडक्टर के पास में जाएगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जैसे दूर जाएंगे इधर, यहां से जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाता है, यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर और कम, यहां पर और कम, यहां पर और कम, इस तरह से जैसे जैसे दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाता है। इस चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है, अगर नोट्स बनाना आपको तो ये लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हमने ड्रॉ किया है उसमें सारे सर्किल्स का जो सेंटर है वो एक ही जगह है, इसलिए उनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। और वो जो सेंटर होगा कहां पर होगा, कंडक्टर पर होगा, है ना। सारे सर्किल का सेंटर इस कंडक्टर के ऊपर आना चाहिए, ठीक। इसके बाद एक और चीज बताया गया है, एरो ऑन सर्किल्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर एरो इधर है
मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर एरो इधर लगाया है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, है ना। तो एरो जो है क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, एक और चीज लिखा है, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटता रहता है। ठीक, अब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को फाइंड करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे एक रूल होता है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को यूज करके सर्किल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम पता कर सकते हैं। पहले तो हमें पता है कि सर्कुलर शेप का ही होगा लाइन्स ऑफ फोर्सेज, तो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है डायरेक्शन की, है ना। जैसे देखेंगे यहां पर कंडक्टर है ना, तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैं इधर भी एरो लगा सकता हूं, इधर भी लगा सकता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा या इधर आएगा वो हम पता कर सकते हैं इस रूल से, जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो पहला चीज ये है कि राइट हैंड यूज कहा गया इसमें, तो हमेशा राइट हैंड को ही यूज करना है, पहला चीज है ना। लेफ्ट हैंड कभी यूज नहीं करना, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल, जो दाहिना हाथ है उसके थंब को यूज करना है। ये तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर में मान लेता हूं कि करंट जो है ऊपर फ्लो कर रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो हमारा जो पाम है ना, हाथ जो है इसका थंब बिल्कुल कंडक्टर के पैरेलल करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ये कंडक्टर है, इसके पैरेलल में थंब रखूंगा ऐसे, है ना, और थंब को करंट के पैरेलल ऊपर रखना है, क्योंकि करंट ऊपर जाए थंब भी ऊपर होना चाहिए। फिर हमारा जो हथेली है, जो पाम है, जो फिंगर्स है, उनको कर्ल करके देखेंगे, ऐसे घुमा करके देखेंगे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में एरो लगाना है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मैं थंब को ऐसे रखता हूं तो मैं केवल ऐसे घुमा सकता हूं, ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे उल्टा कभी नहीं घूम सकता, है ना, उल्टा इधर की तरफ कभी नहीं घूम सकता, हमेशा इधर ही घूमना है। तो अगर कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैं हाथ को कर्ल कैसे करूंगा, ऐसे कर सकता हूं ऐसे। तो यहां पर अगर सर्किल बन रहा है तो सर्किल में ऐसे, मतलब इस तरह से, तो देखेंगे यहां पर करंट ऐसे आना चाहिए, कंडक्टर के पीछे से ऐसे आ रहा होगा और सामने से ऐसे जा रहा होगा, सामने से ऐसे, है ना, इसके फ्रंट साइड में करंट ऐसे जा रहा, मतलब डायरेक्शन ऐसे होगा और इसके पीछे ऐसे आ रहा होगा, तभी ये ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह से हमें घुमाना है। तो मैंने ये एरो लगा दिया, तो अब बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पॉइंट पर किधर होगा। जैसे ये सर्किल बन रहा है तो सर्किल का ये जो पॉइंट है, यहां पर टेंजेंट इधर आएगा, यहां पर इधर ऐसे, पीछे ये वाला जो लाइन है उस कंडक्टर के पीछे चले गया है ना ऐसे, तो पीछे से ऐसे घूम करके आएगा और सामने से ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर बात करें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होना चाहिए, ऐसे जाकर के यहां पर अंदर घुस रहा है और यहां पर बाहर आ रहा होगा, है ना। आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है। ये सिंबल क्यों लिया गया, जैसे कोई एरो है, है ना, ये एरो है, तो एरो में पीछे जो है ना टेल होता है कुछ इस तरीके का, तो जब कोई एरो अंदर जाएगा तो उसका टेल जो है ऐसा दिखेगा, क्रॉस जैसा, है ना, इसलिए इनवर्ड को क्रॉस ऐसा दिखाते हैं और आउटवर्ड को जब ये जो है ये इसको कहते हैं हेड, एरो का हेड जब बाहर आ रहा होगा तो एक तो इसका ये वाला पॉइंट दिखेगा ये बीच में, है ना, और बाकी साइड में वाला जो है सर्किल जैसा ऐसा दिखेगा। तो जब एरो बाहर आ रहा होगा तो ऐसा दिखेगा हमें, और जब एरो अंदर जा रहा होगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये इनवर्ड का सिंबल है और ये आउटवर्ड का सिंबल है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, इनवर्ड को ऐसे दिखाते हैं। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा अंदर, इस पॉइंट पर बाहर आएगा, क्योंकि हम इसको फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर सकते हैं ऐसे। तो इसी तरह से हमने यहां पर जो है एरो लगाया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसमें करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, करंट नीचे जाएगा तो थंब जो है करंट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा हमें ऐसे, है ना।
हमारा जो थंब है वो कंडक्टर के पैरेलल होना चाहिए और साथ में थंब इधर पॉइंट करना चाहिए जिधर करंट जा रहा है। तो नीचे करंट जा रहा है तो नीचे थंब करेंगे। अब हाथ को मैं ऐसे घुमा सकता हूं, ऐसे, पिछले वाले केस में ऐसे घुमा रहे थे, इस केस में हम लोग ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाने का मतलब ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज जैसा कुछ दिखेगा। तो कंडक्टर के पीछे से ऐसे आ रहा होगा और कंडक्टर के सामने से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे। ये जो पोर्शन है ये आगे वाला है, फ्रंट वाला, और ये जो दिख रहा है वो कंडक्टर के पीछे है। तो देखेंगे अगर ऐसे घूम रहा है तो यहां पर बाहर आ रहा होगा और यहां पर अंदर जा रहा होगा। यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक बार कहीं भी हमने एरो लगा लिया है तो पता चल गया क्लॉकवाइज है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल जो है इसमें करना क्या है, मैंने यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं, कहा है पुट द राइट हैंड थंब अलोंग द करंट फ्लो इन द कंडक्टर, देन फिंगर्स विल कर्ल अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर जो है किस डायरेक्शन में कर्ल हो सकते हैं, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उल्टा डायरेक्शन में कर्ल नहीं कर सकते ऐसे, है ना। तो हमेशा जो है थंब को रखना है करंट की तरफ और हाथ को कर्ल करके ऐसे देखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करके देखेंगे, तो ये कर्ल जिधर होंगे ऐसे तो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस केस में थंब को रखेंगे करंट के पैरेलल, हाथ को कर्ल करेंगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अभी जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा उसे रिलेटेड एक सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल में कहा गया है अ करेंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। जैसे देखेंगे मैंने यहां पर एक वायर दिखाया है जिसमें करंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कहा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो ये जो वायर है इस वायर के ऊपर, सीधा ऊपर और सीधा नीचे, ये दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताना है, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि हम लोग जो हैं, हम जो ऑब्जर्वर हैं वो इधर से देख रहे हैं, है ना, इधर से देखेंगे तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। ये जो थंब है इसको रखेंगे करंट के पैरेलल, है ना। तो हाथ जो है हमारा कर्ल कैसे होगा, ऐसे कर्ल होगा, इधर से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होता है। तो यहां पर एक सर्किल बनाया जा सकता है ऐसा, है ना, ऐसा सर्किल बनेगा जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है, अगर ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ऊपर वाले पॉइंट पर अंदर जा रहा होगा, नीचे वाले पॉइंट पर जो है बाहर आ रहा होगा, और यहां पर ऊपर जा रहा होगा, यहां पर नीचे आ रहा होगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर, यहां पर नीचे, यहां पर बाहर, यहां पर ऊपर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हैं अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो पीछे नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्थ उधर हो जाएगा और साउथ जो है इधर हो जाएगा। तो ये जो है साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से ऊपर वाले पॉइंट पर इनवर्ड और नीचे वाले पॉइंट पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका शेप कैसा होगा, यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ठीक। तो देखेंगे कि यहां पर मैंने एक लूप बनाया है, सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप में अगर ऑब्जर्वर इधर से देखता है तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, यानी यहां पर ऊपर, वहां पर अंदर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को देखता हूं, ऊपर वाला छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो स्ट्रेट देखेगा, तो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसे होनी चाहिए, कह रहा हूं
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सर्कुलर शेप में होती है, तो यहां पर चूंकि ये फील्ड, ये जो लूप है वो ऐसे है ना, तो वहां पर जो है जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर जो लूप है या कंडक्टर है वो ऐसा है कुछ, ये जो चौक दिख रहा है ऐसा, तो यहां पर इसके अराउंड सर्किल बनाएंगे हम लोग। तो ये देखेंगे कई सारे सर्किल यहां पर मैंने बनाया है ना। अब सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर वाले पॉइंट पर करंट अंदर जा रहा है, तो मैं थंब को, ये जो मेरा थंब है इसको रखूंगा उधर की तरफ करंट के डायरेक्शन में, तो हाथ को कर्ल करेंगे ऐसे, यानी ऐसे कुछ इस तरह से कर्ल किया जा सकता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो सामने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसे आएगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये जो सर्किल्स हैं ये सर्किल धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, जैसे इस कंडक्टर से दूर जाएंगे ये सर्किल बड़े होते जाएंगे। बड़ा जो सर्किल होता है वो थोड़ा स्ट्रेट दिखता है ना, अगर बहुत बड़ा सर्किल होता है तो क्या होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है, छोटे से लेवल पर, छोटे से एलिमेंट्री लेवल पर जाकर देखेंगे तो। जैसे अर्थ सरफेस है ना, हमें पता है कि जो अर्थ है वो एक्चुअली में स्फेरिकल शेप का है, लेकिन हमें चूंकि हम एक छोटे से पार्ट को देखते हैं अर्थ का, हमें फ्लैट दिखता है ना। उसी तरह से कोई सर्किल है एक्चुअली में है तो वो कर्व, लेकिन बहुत बड़ा सर्किल हो और हम एक छोटे से पार्ट को देखें तो हमेशा स्ट्रेट दिखता है ना। तो वैसे ही कह सकते हैं कि जो सर्किल है ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जाएगा, हम छोटे से पार्ट को देखेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेट होता जाएगा, सेंटर पर जाएंगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट दिखेगा। ये जो सर्किल मैंने दिखाया है, जो हालांकि यहां पर कंप्लीट सर्किल नहीं करा है, लेकिन सर्किल ये कंप्लीट होगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आगे तक, तो ये सर्किल कंप्लीट होंगे, सारे कंप्लीट सर्किल्स हैं ये जा करके कहीं ना कहीं से घूम करके वापस आएंगे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और ऐसे घूम करके वापस इस साइड से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इंटर कर रही है, यहां पर ऐसे ऐसे उसी तरह से यहां पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट की बात करते हैं, करंट ऊपर जा रहा था अंदर और यहां पर करंट बाहर की तरफ आएगा है ना, ऐसे करंट घूम रहा है। इधर से देखें, इधर से मैंने बताया कि इधर से देखने पर करंट जो है क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ऊपर जा रहा था अंदर और नीचे करंट बाहर आ रहा था कुछ इस तरह से। तो अगर मैं थंब को ऐसे रखता हूं करंट के पैरेलल, तो हाथ को मैं कैसे कर्ल करूंगा, ऐसे पीछे से देखने पर मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज दिखेगा, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा है ना। तो इस तरह से यहां पर घुमाएंगे हम लोग, तो ऐसे घुमाएंगे तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाएगा ऐसे है ना, यहां पर ऐसे। कुल मिलाकर के डायरेक्शन वैसा ही है जैसा कि ऊपर दिख रहा था, मतलब राइट साइड से इंटर कर रही होंगी लाइन्स ऑफ फोर्सेज और लेफ्ट साइड से बाहर निकल रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स है उनका शेप कुछ इस तरह से होगा, और जो स्ट्रेंथ है जैसे कि आप जानते हैं डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे इस सर्किल से दूर होते जाएंगे डेंसिटी घटता जाएगा, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है लाइन, इनके बीच का सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दूर जाने पर इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कम होगा, ठीक। अब अगर मान लिया जाए कि एक टर्न के बदले में कई सारे टर्न लगा दिए गए है ना, यहां पर एक टर्न है ठीक, अगर एक और टर्न आ जाए यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही एक लूप है, इतने ही रेडियस का इतना ही करंट फ्लो कर रहा हो, तो हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है डबल हो जाएगा। अगर तीन लूप लगा देंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, अगर एन लूप लगा देंगे ऐसे ही एन टर्न्स लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो एन टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऐसे कहते हैं और ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स एन टाइम्स एट एवरी पॉइंट व्हेन
देयर आर एन टर्म्स ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स आर प्रेजेंट. ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जितने भी लूप हम बनाएंगे, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, दूसरा लूप में भी क्लॉकवाइज, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा. किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, हर पॉइंट पर दोनों के कारण से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए ऐड होता जाएगा. अगर एन टर्न्स हैं तो एन बार वो वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा, इसलिए एन टाइम्स ये हो जाएगा. अभी जो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट सीखा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे सोलेनोइड में. सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड होता है कि अगर इंसुलेटेड सिलिंड्रिकल रॉड है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को इस तरह से लपेट दिया, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से लपेटा गया है, तो इसमें कई सारे टर्न्स आ गए. जैसे मैं वहां बात कर रहा था कि एक से ज्यादा टर्न्स होंगे तो क्या होगा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो बिहेव करेंगे. तो यहाँ पर कई सारे टर्न्स आ गए, एक ही वायर है इसको कई बार लपेट दिया गया है, है ना. तो इस तरह से एक क्वाइल जैसा बन गया यहाँ पर, एक जैसे स्प्रिंग इस टाइप का बन गया. तो इसमें एक बैटरी जोड़ दिया, एक स्विच है, स्विच को ऑन करते ही करंट फ्लो करेगा सारे लूप में, जितने भी सर्कुलर लूप हैं सब में करंट फ्लो करेगा, है ना. और उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इस मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पर सीखा. यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर एक से ज्यादा टर्न्स होंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. और फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर है वो देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है, वहां पर छोटे छोटे सर्किल्स बन रहे थे, यहाँ पर एग्जैक्टली सर्किल नहीं बन रहे, है ना. सर्किल इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि बहुत लंबा सा हो गया है. ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, अगर एक लूप होता है तो सर्किल जैसा दिखता है. अब यहां पर क्या है, ये थोड़ा लंबा है, तो इस तरह से जो फील्ड लाइन्स है वो सर्कुलर नहीं होकर के थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाती है, इस टाइप के बनती है. ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहां पर जैसे इस केस में भी अगर इधर से देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे तो इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी, यहां जो हमने थ्योरी पढ़ा, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इधर. इसमें भी वैसे ही है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, उधर. वही राइट हैंड थंब रूल लगाकर हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना. तो एक्चुअली में कहा जितने भी सर्किल्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे, तो कुछ पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं एग्जैक्टली, इसलिए एग्जैक्टली सर्किल नहीं बन पाता है. ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी इस टाइप से लाइन्स और फोर्सेज होती है कि फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, जैसा कि पिछले वाले केस में आया था, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां से फील्ड लाइन्स निकलती हैं और यहां पर जाकर के एंटर करती हैं. ये भी सारी जो है बाहर से कहीं ना कहीं से घूम करके आ रही है. एक बात जो है आप इसमें ध्यान देंगे कि अंदर जो फील्ड लाइन्स है बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, बाहर तो कर्व है लेकिन अंदर स्ट्रेट जैसा चल रही है, और इसलिए हम लोग कहते हैं, चूंकि स्ट्रेट लाइन्स है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड हर जगह इक्वल होता है, स्ट्रेंथ हर जगह अंदर इक्वल होता है, और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होता है. हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जो है राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो. ठीक, तो फील्ड का डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, स्ट्रेंथ भी इक्वल हर जगह, तो इसलिए कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है अंदर. ठीक, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा नोट्स लिखा है तो इसको पहले पढ़ लेते हैं. यहां पर कहा गया क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड. ये सिलेंडर के फॉर्म में जो है इस तरह से रैप किया गया. ठीक है, तो इसको हम लोग सोलेनोइड कहते हैं, और इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, तो सारे सर्कुलर जो टर्न्स हैं सब में करंट
जो है वो फ्लो करेगा। तो आगे बताएगा जो मैंने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एज फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, अंदर फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगा। मैंने क्या बताया था, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जहां पर डेंसिटी कम होती है वहां पर जो है स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि यहां पर सारी लाइंस स्ट्रेट है, पैरेलल है। अगर ऐसे कोई लाइंस हो है ना, बिल्कुल पैरेलल लाइंस चल रही हो, तो आप देखेंगे कि यहां डेंसिटी निकालेंगे या यहां डेंसिटी निकालेंगे, हर जगह डेंसिटी बराबर आएगा और इसीलिए यहां स्ट्रेंथ और यहां स्ट्रेंथ बराबर आएगा। तो इसीलिए कहा गया क्योंकि हर जगह जो है लाइंस स्ट्रेट है बिल्कुल, तो डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगा, इसलिए मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक, तो ये जो सोलेनोइड है उसका यूज क्या होता है, इसको यूज किया जाता है कि यहाँ पर अगर हम बहुत हाई करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या किया जा सकता है, ये जो सिलिंड्रिकल शेप का कॉइल बन रहा है इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे, जैसे सॉफ्ट आयरन होता है मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है अपने आप नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। मैंने बताया था कि मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि छोटे छोटे जो मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेट क्या होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट अगर हो जाता है तो सबका फील्ड जोड़ करके बहुत हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होता है ना। तो यहां पर ये जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो तो उसके अंदर जो मटेरियल रखा जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट आयरन रखा है, उसके अंदर जो मटेरियल रखा जाएगा उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन होने का मतलब है कि जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं वो सर्कुलर इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन हो रहा है वो वाला, ये छोटे छोटे जो मैग्नेट्स हैं उन सबका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है तो खुद वो मैग्नेट जैसा जो मटेरियल है वो खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, है ना। और अगर वो परमानेंट हो गया तो ये मतलब कि सोलेनोइड से अगर मैं बाहर भी निकाल दूं उस मटेरियल को तो भी वो मैग्नेटाइज रहेगा, एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करेगा, है ना। तो इस टाइप से जो मैग्नेट बनाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेटाइजेशन नहीं होता तो हर मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में करते इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटे छोटे एक तरह से मैग्नेट है वो। तो मैंने बताया था कि जब अगर कोई बाहरी फील्ड नहीं है तो ये सब रैंडम रहते हैं, इधर उधर इनका डायरेक्शन होता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्रिएट करते हैं। लेकिन किसी किसी मटेरियल में जैसे सॉफ्ट आयरन है उसमें अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाए उसके आसपास तो उसमें एक जो है स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके सारे जो सर्कुलर डाइपोल्स हैं, सर्कुलर जो मैग्नेट्स हैं इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन वाले, वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो वो सब जोड़ करके सब ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के एक बड़ा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे। तो बड़ा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे तो बड़ा सा मतलब हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगेंगे वो, तो वो फिर मैग्नेट बन जाते हैं और उनको हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। तो यहां पर आगे बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, है ना। और दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनोइड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें करना क्या होता है, यहां पर जो सोलेनोइड है सोलेनोइड के अंदर यहां पर हम लोग
जो है सॉफ्ट आयरन रख देंगे यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन रख देंगे और यहां से सोलेनोइड से हाई करंट फ्लो कराएंगे तो एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन के अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं सर्कुलर लूप वाले, सर्कुलर रिवोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले है ना, तो उनको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करके एक बड़ा सा मैग्नेट जैसा बना देगा इसको, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल को सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड है। एक रिंग दिया गया है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज का बिहेवियर कैसा होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। सपोज ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहां पर ये एक रिंग रखा गया है ना, सर्कुलर लूप रखा गया है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली नीचे टेबल है तो हम लोग ऊपर से देख रहे होंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज फ्लो करने का मतलब है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ऊपर से देखने पर। तो यहां पर दिखाया गया ऐसे क्लॉकवाइज, एरो जो है यहां पर एरो इधर जा रहा है, यहां पर एरो इधर जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन बताया गया है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो इनसाइड का मतलब हुआ जो लूप है इसके बीच में, और आउटसाइड का मतलब कि जो सर्कमफेरेंस है इसके बाहर, ठीक। तो डिफरेंट पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास जो पॉइंट होगा, तो मेरे जो सबसे नजदीक पॉइंट होगा वहां पर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा होगा, है ना, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे घूम करके आ रहा है। तो यहां पर करंट इधर जा रहा है, लूप जो है इधर है, तो करंट की तरफ मैं थंब रखता हूं, है ना, हमें यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो थंब को करंट की तरफ रखेंगे और हाथ को, हथेली को कर्ल करेंगे, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो कर्ल करने से क्या हो रहा है, कर्ल हो रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और यहां पर वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। तो देखेंगे यहां पर सर्कुलर लूप बनाया है हमने, सर्कुलर लूप बनाया है, तो यहां पर लूप के यहां पर करंट का डायरेक्शन अंदर होगा, तो थंब ऐसे रखेंगे तो इस तरह से लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगे ऐसे, मतलब यहां पर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और यहां पर बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से यहां पर नीचे और यहां पर ऊपर ऐसे, ठीक है। ऐसे बाकी लूप भी देख सकते हैं, यहां भी है तो इसमें नीचे अंदर और यहां पर बाहर, फिर अगला लूप इसमें भी यहां पर नीचे और इधर जो है बाहर जा रहा होगा, ऐसे घूम करके आ रहा होगा बाहर से, ठीक है। अब इधर तो हो गया, अब उस पार्ट में चलते हैं। उस पार्ट में जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं करंट अंदर जा रहा होगा, तो इस पार्ट पर करंट बाहर आ रहा, क्योंकि ऐसे घूम करके करंट आ रहा है, ठीक है। तो एक बार ऐसा करके देखते हैं कि यहां पर जो करंट है वो इधर आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसे करंट आ रहा है, तो मैं थंब को रखूंगा करंट की तरफ और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा। कर्ल करने से क्या पता चल रहा है, ये अपना लूप है, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है और बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये जो लूप है, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यहां भी हर जगह नीचे की तरफ जा रहा होगा और ये बाहर वाले पॉइंट से जहां की ऊपर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, है ना। तो ये जितनी भी लाइन्स है कुछ इस तरह से हमने पहले भी बनाया था डायग्राम, ठीक है, बस उसमें हमने रिंग को इस तरह से वर्टिकल लिया था, है ना, यहां पर रिंग जो है हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और लूप के बाहर हर जगह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल
मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया. इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर. जो अगला एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. इसमें कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ में वैरी नहीं कर रहा उसका मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स्ड है. तो डायरेक्शन फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होने के लिए जरूरी है कि फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो इक्वल हो हर जगह. तब जाकर के जो है स्ट्रेंथ हर जगह पर इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड हर जगह पर इक्वल होगा, है ना. और डेंसिटी इक्वल तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी. तो यहां पर आप देखेंगे मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया हुआ है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि सारी पैरेलल दिख रही है. पैरेलल होंगी तो किसी भी पॉइंट पर डेंसिटी निकालेंगे तो एक जैसा आएगा. और डेंसिटी एक जगह, फील्ड लाइन की डेंसिटी एक जैसा होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ एक जैसा आएगा. और डायरेक्शन तो आप देखिए ना, सब में राइट आउट मैंने दिखाया. ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ लाइंस एंड हेंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, यहां पर डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म पहले से ही है. इसके बाद अगला एग्जाम्पल है. इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के बारे में हमने देखा था थोड़ी देर पहले. उसमें क्या था कि इस तरह से जो है एक क्वाइल होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है. इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेज भी हमने दिखाया था. लाइंस ऑफ फोर्सेज कैसी, अंदर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ऑफ फोर्सेज चल रही थी, है ना. इस तरह से अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ऑफ फोर्सेज थी, बाहर जो है वो धीरे धीरे ये कर्व हो रही थी इस तरह से. लेकिन अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेज यूनिफॉर्म रहती थी. यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, ये वाला केस आ गया. मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा. ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगा. तो जीरो तो नहीं होगा, तो ये गलत है. फिर कह रहा है डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स एंड, चूंकि हर जगह यूनिफॉर्म है, एंड की तरफ जाने पर ना घट रहा होगा ना बढ़ रहा होगा. तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है और तीसरा भी गलत है. तीसरा में कह रहा है कि इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, तो ना ही डिक्रीज हो रहा है इधर जाने पर और ना ही इंक्रीज हो रहा है. तो सही कौन सा हुआ, डी ऑप्शन इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हर पॉइंट पर इक्वल स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक, अभी तक हमने इस चैप्टर में यह देखा कि किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास का जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, है ना. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखा जाएगा तो मैग्नेट पर यह फोर्स लगाएगा, है ना. अच्छा, ये मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा. हम लोग जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं. अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा पहले पर जरूर फोर्स लगाएगा, है ना. इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है. तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेट जो है वो इस कंडक्टर पर भी फोर्स लगाएगा, है ना. उस मैग्नेट ने यहां पर एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, उसके फील्ड में यह कंडक्टर आ गया तो इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंडक्टर ने अपना फील्ड क्रिएट किया हुआ है, उस फील्ड में वो मैग्नेट आ गया है तो ये मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है. दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, दोनों ने अपना अपना फील्ड क्रिएट किए हुए है और उस फील्ड में ये एक दूसरे के फील्ड में है इसलिए एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना. तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेट भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा,
है ना। मैग्नेट पर फोर्स लगाने का मतलब यह हुआ कि मैग्नेट ने जो फील्ड क्रिएट किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जब भी कोई कंडक्टर रहेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर की वजह से नहीं है, किसी और कारण से है, जैसे कि मैंने यहां पर मैग्नेट बताया है ना, किसी और वजह से भी हो सकता है कोई दूसरा कंडक्टर हो जिसने फील्ड क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर ये एक कंडक्टर रख दिया हमने, है ना। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। एक्सपेरिमेंट से या कई सारी एक्टिविटी करके हम लोग देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है कंडक्टर पर उसका डायरेक्शन जो है वो करंट पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट किधर फ्लो कर रहा है, या जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन, दोनों पर डिपेंड करता है। अच्छा, फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा वो कौन कौन से क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो भी करंट पर जो कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक, और कंडक्टर का जो लेंथ है, जो लंबाई है उस पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा लंबा होगा कंडक्टर तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो पढ़ करके जो है नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, जो भी मैंने समझाया है उसी को यहाँ पर लिखा है, है ना। यहाँ पर लिखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इट एग्जर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मैग्नेट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैग्नेट ऑल्सो एग्जर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन्स अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा कंडक्टर को तो उस पर फोर्स लगेगा। एक्सपेरिमेंट्स शो दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोड्यूस किया गया हो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं हो, ठीक है। तो दो चीजों पर, करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोर्स को सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं I इंटू लेंथ इंटू बी। आई क्या है, ये करंट है, एल लेंथ है, और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, और आई करंट है। तो ये तीन जो क्वांटिटीज है इन पर फोर्स डिपेंड करता है, ठीक। अब वैसे तो यहां पर जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, आगे जाकर हम लोग पढ़ते हैं कि उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो इंक्लाइन भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल वैसे ही केसेस देखेंगे, 10th क्लास में हम लोग वैसे ही केसेस देखेंगे जिसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, है ना। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए एक रूल होता है जिसको कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसके तीन फिंगर्स हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से, एक थंब हो गया, एक फोर फिंगर हो गया, और एक मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तीनों को स्ट्रेच करके कुछ इस तरह से रखा जाता है जिससे कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। मैंने यहां पर किया ऐसे, देख सकते हैं कि जो फोर फिंगर है वर्टिकली अपवर्ड है, ये जो थंब है वो मेरी तरफ आ रहा है ऐसे, है ना, फोर फिंगर ऊपर, थंब मेरी तरफ, और ये जो मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ है इधर, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा कहा जाए, देखेंगे मैंने यहां पर डायग्राम में भी दिखाया है, ये फोर फिंगर है ऊपर वाला, और ये जो है मिडिल फिंगर ये बाहर की तरफ आ रहा है, यहां पर ये बाहर की तरफ आ रहा है, और थंब जो है वो मेरी तरफ आ रहा है। तो ये कहा जाता है कि अगर
करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिए गए हो तो फोर फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को मैग्नेटिक फील्ड और करंट के तरफ रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है और मिडिल फिंगर को करंट की तरफ रखना है ना। तो थंब जो है अपने आप फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। इसमें यहां दिखाया भी है, फोर फिंगर को फील्ड की तरफ रखना है, ये जो मिडिल फिंगर है इसको करंट की तरफ रखना है ना। यहां भी दिखाया गया है, ये फील्ड है ऊपर की तरफ और जो करंट जो इधर दिखाया एक्चुअली में ये करंट है बाहर आउटवर्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है, क्योंकि 3D फिगर है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, हम लोग ऐसे दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए उसको ऐसे दिखाया। एक्चुअली में करंट जो है वो इधर है ऐसे, तो ऊपर हो गया फील्ड, इधर हो गया करंट बोर्ड के परपेंडिकुलर, जैसे कि ये मिडिल फिंगर की तरफ, तो थंब इधर आ रहा है तो ये अपने आप फोर्स का डायरेक्शन बताएगा है ना। यहां पर देखते हैं फोर फिंगर फील्ड की तरफ है और मिडिल फिंगर करंट की तरफ है, तो थंब जो है वो अपने आप फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। ठीक, तो जो भी मैंने समझाया यहां पर लिखा भी है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, कभी टेस्ट में पूछा जाता है तो ऐसे लिखना चाहिए वहां पर है ना। तो क्या बताया गया इसमें, कहा गया यूज लेफ्ट हैंड्स थंब फोर फिंगर थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर स्ट्रेच देम सच दैट दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए जैसे कि मैंने यहां पर बताया है। इफ मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स करंट, मिडिल फिंगर ये वाला ये करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स, तो थंब का डायरेक्शन जो है अपने आप फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये रूल हम लोग तभी लगा सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर हो। ये ध्यान रखना है कि हमें जो यहां पर 10th क्लास में जो केसेज पढ़ने को मिलेंगे उसमें ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है, इसलिए इस रूल से हम लोग फोर्स का सही डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं।